एनीथिंग इज पॉसिबल कॉमिक्स है भाई, लॉजिक तो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो डायनामो बोलते हैं कि मुझे डायनामो कहते हैं बिटिया, मुझे तुम्हारे चुम्बा अंकल ने तुमको लेने के लिए भेजा। हाँ, मतलब वो एरा डिफरेंट था, तो उस एरा को कभी कोई रिलिव या हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, बट वी गॉट टू सी दैट। और अगर मैं देखूं तो आई थिंक वहां पे किरगी को भी इनिशियली दिखाया गया, एटलीस्ट किरगी वॉज पोर्ट्रेड एज अ विलन और दिखाया गया। वो बहुत सारे लोगों को अपने खड़क से काट वाट भी देता है एकदम बहुत ब्रूटली। ठीक हाँ है, तो वो बाइक को काटता है ना, वो बाइक वहीं पे हाँ कटती है, बाइक वाइक तो छोड़ दो, लोगों को काट देता है, गर्दन काट दिए थे उसने। लाइन से काट दिया था ना वो एग्जैक्टली उसके नेपाल का जो हैंडलर हाँ, था। तो एग्जैक्टली राइट। किरगी किरगी योंडू जैसे ही था ना, खड़क फेंक दिया, खत्म करके आउट हो गए। हाँ, बट अगेन देर इज दैट मैजिक ऑफ अनुपम सिन्हा, द मेन विलन वाज चंडिकाल। वी गेट टू सी अनदर विलन एंड अनदर आइकॉनिक चंडीगढ़ विलन, चंडिकाल हु इज अ राक्षस, हु इज अ डेमन। हाँ, तो आइकॉनिक बुक, आइकॉनिक कैरेक्टर्स गॉट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, बाकी बाबा या मिलन या बाकी लोग आप लोग बोल सकते हो। बाबा आप शुरू सो करें। किरगी का कहर, मुझे जब भी मैं पढ़ता हूँ किरगी का कहर, मुझे ऐसा लगता है कि दिस कुड हैव बीन अ एनी सुपर हीरो बट नॉट ध्रुव स्टोरी, क्योंकि ये हाँ माइथोलॉजिकल स्टोरी है एंड ध्रुव वाज नेवर, इससे पहले कभी भी माइथोलॉजिकल विलन से नहीं लड़ा था ध्रुव। जो चंडकाल जो करेक्ट। आता है ना, चंडकाल मतलब आखिरी वंशज होता है राक्षसों का धरती पर, और उसको अपना वर्ल्ड डोमिनेंस और पावर बूस्ट करने के लिए वो हीरा चाहिए होगा। एक चीज बोलूंगा बस, पहले आप उससे पहले कंटिन्यू करो कि ग्रैंड मास्टर रोबो में सर ने बीज तो बो दिया था, स्वर्ण नगरी, देवता वेवता लेके आ गए थे, है ना? इसमें हाँ, बस लेकिन उन्होंने, मैं कह रहा हूं कि विलन कभी भी वो नहीं रहे, बस हाँ, ये जब ध्रुव ध्रुव एज अ किसी ह्यूमन बीइंग डिडंट हैव टू माइथोलॉजिकल, फाइट अभी अ हाँ इसमें अगर भोकाल लड़ रहा होता ना चंडकाल से, तो मैं थोड़ा डाइजेस्ट करता कि अच्छा ठीक है हाँ चलो कि नहीं, भोकाल माय पॉइंट बीइंग कि अगर माइथोलॉजिकल। आपके यूनिवर्स में मैंने आपको दिखा दिया कि देव एग्जिस्ट करते हैं, तो दानव भी कर सकते हैं ना, वैसे बोल रहा हूँ, काउंटर नहीं, पॉइंट। आई थिंक बाबा का जो पॉइंट है कि ध्रुव एज अ ह्यूमन बीइंग जिसके पास नॉर्मल ह्यूमन पावर है, हाउ ही इज प्लानिंग टू फाइट अ माइथोलॉजिकल बीइंग जिसके पावर्स बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे किरगी है वन हु इज अ मैजिकल बीइंग, एंड चंडकाल वो राक्षस है, उसके पास वो दंड भी है जिससे वो मैजिक से वो डिफीट, मींस ही हैज मच मोर कैपेबिलिटी देन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट? तो दैट आई थिंक विवेक बाबा इज ट्राइंग टू आई थिंक पोर्ट्रे दैट। धनंजय ने भी ने अरे कहा था ना कि आप तुमसे हार कैसे गया, वो रिमेम्बर से वो मंत्र दंड लेके गया आई था थिंक लेट वो बाबा सब। स्पीक यार, सॉरी सॉरी या विवेक भाई, हाँ, वो उनको उनको ही बाबा बोलने दो इट्स क्या ओके व्हाट इट्स ही ओके, मेंट। यही तो है हाँ पॉडकास्ट। लेकिन आप लोग की बात भी सही है कि अगर एक तरफ उसने देव जाति दिखाई है, तो फिर कभी ना कभी राक्षस जाति भी दिखानी पड़ेगी। बट मेरे लिए ऑल ऑफ अ सडन आया था, और जब भी मैं इसको आज भी देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रो वॉज नेवर केपेबल टू फाइट अ डीमनिक विलन, और मुझे लगता है कि यही एक चैलेंज भी पेश करता है और सुपर हीरो की शक्तियों को निखार के भी लाता है कि देखो मैं मतलब कि आम विलन से तो लड़ ही सकता हूँ, बट नाउ आई एम गोइंग अ स्टेप अहेड। तो ध्रुव का भी ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा है किरगी का कहर तक आने के बाद, और किरगी का कहर इज वन प्लेस वेयर की टू मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन अ 64 पेज कॉमिक बुक, जिसके अंदर आपका गैंग वॉर भी हो रहा है, एक गैंग मेंबर दूसरे को धोखा भी दे रहा है, उसके अंदर एक हैंडलर भी है, मतलब यहाँ पे बॉस ने बोला है कि जाकर के वहां से हीरा लेकर के आओ, तो बॉस अपना आदमी भेज रहा है, बट देर इज अनदर हैंडलर इन नेपाल जो कि वो लेगा। मतलब इतनी सारी चीजें, मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्ट्रक्चर चल रहा है पूरा। मतलब आज भी अगर कुछ बड़ी वारदात होती है किसी भी कंट्री में, अगर इस तरीके की लेवल की होती है, तो फिर देर इज ऑलवेज अ पर्सन जो कि जिसका
इल्टीरियर मोटिव रहता है, वो किसी एक आदमी को फंड करेगा, वो आदमी किसी एक हैंडलर को करेगा और वो हैंडलर ही जाकर के काम को अंजाम देगा. तो ये चीज हम लोगों ने किर्गी के कहर में ही देख लिया था. तो मतलब देर आर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग इन अ 64 पेज कॉमिक बुक. तो आज की डेट में अगर मैं कभी भी देखूंगा ना किर्गी का कहर का कॉमिक, तो मुझे लगता है कि 3-4 पार्ट की तो आराम से बन सकती है ये. लेकिन पैनल्स भी काफी ज्यादा है ना अगर आप देखोगे तो हर पेज हाँ हाँ और ये चीज एक पेज एक ही कॉमिक बुक के अंदर समेटना भी एक बहुत अच्छा प्रयास रहा है, मतलब राइटर का, कि इतनी सारी चीजों को मैं कैसे समेटूंगा. जैसे कि किर्गी और ध्रुव की फाइट हो रही है, आइकॉनिक फाइट है उसमें, जैसे उसकी बाइक कट जाती है और उसको भी उन्होंने 2 पेज में समेट दिया, मतलब कि इट हैजंट बीन स्ट्रेच्ड. जिंगालू की फाइट हो रही है धनंजय के साथ, वो भी 1-2 पेज में सिमट गई है. फिर उसके बाद उनके 3 प्रतिरूपों की फाइट हो रही है अपने अपने ही डुप्लीकेट्स के साथ, ठीक है, उसमें भी युक्ति लगाते हैं कि लेट्स इंटरचेंज. वो सारी सारी चीजों को जल्दी जल्दी समेट करके कहानी को कंक्लूड करा जा रहा है. सो मेनी वाव मोमेंट्स, जैसा कि आप अमित भाई कहते हो ना कि एक वाव मोमेंट बनाओ. इट वाज अ फास्ट पेस स्टोरी, क्रिस्प फास्ट था, पेस मतलब स्टोरी. फालतू का यस इधर उधर डिवेशन नहीं लिया, सब कुछ लाया किया एंड इट हाँ वाज लाइक बट बस एनीवे मतलब मैं यहाँ पे कुछ बुक. कहना चाहता हूँ कि जैसे इवन चंडीकाल का जो मास्टर प्लान था ना कि एक बोर्ड मीटिंग चल रही है माफिया की, वहां पे वो जैसे जोकर आता है ना अपने डार्क नाइट में, एग्जैक्टली यस तुम्हारा प्रॉब्लम मैं रिजोल्व करूंगा, ठीक है, वो हंसता है, वो उसको ठीक है मैं पेंसिल गायब करूंगा, वैसे ही वो चक्र से काट देता है, राइट राइट देखिए, और फिर वो कि आई ही विल मेक यू स्क्वील, मतलब पूरा वही वाली फीलिंग है चंडीकल की, वो चाहिए कि हाँ मैं उसको रिजोल्व करने जाऊंगा ध्रुव से लड़ने, तो मतलब पूरी जगह ग्रैंड रखा है, लेकिन इवन स्टार्टिंग ताम्रपत्र, मतलब बहुत स्टोरी इन 64 पेज, मतलब जैसे हमने सर्व सत्र में कहा था कि करगिया कैर लाइक की 5 किताबें तो कभी भी बन जाएंगी, मतलब एंजॉय करते हुए, तो इट्स ऑलवेज आइकॉनिक. एंड चंपक वगैरह में इसके एड भी मुझे याद है जो एड्स आते थे ना चंपक नंदन, उसमें ये किर्गी का कहर का ब्लैक एंड व्हाइट एड्स भी आया हाँ करते थे, करेक्ट, राइट डेफिनेटली वो बहुत बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक था, मतलब लाइव एक्शन की, और उसके स्टोरीज एंड कैरेक्टराइजेशंस भी बहुत अमेजिंग थे, इंदिरा मतलब वो मूवी का नाम भी बता दो जिस VHS में ये एड देखने को मिला था. उस टाइम बहुत सारे मूवीज दिखते थे, मतलब वो शायद आंखें, मैंने शायद ये आंखें में देखी थी, गोविंदा और चंकी गोविंदा पांडे चक्की का, बंडे राइट, बट उस टाइम बहुत VHS थे, मतलब वो VHS का टाइम ही था, आपका मतलब दरिया है डूब के जाना है बट अगेन इसी अगेन VHS पे मूवी तो नेक्स्ट कॉमिक्स भी आती है ना, इसके बाद वो कॉमिक्स भी आई थी VHS की जो आज की जनरेशन नहीं समझ सकती, वीडियो करेक्ट. वाली और पीछे रखा और हुआ. और मूविंग टू द नेक्स्ट विलन जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, वो भी एक विशेषांक था, चुम्बा का चक्रव्यूह. अब भाई और आई थिंक ये भी RC का सेकेंड एनिमेशन था, इसका भी एक क्लिपिंग आया था, ठीक है, VHS ये सब में, ठीक है. चुम्बा का तो चक्रव्यूह मुझे याद नहीं ये है, एड एनिमेशन आया कि नहीं, शायद टीवी टीवी पे मूवी, भी आती थी ना ये एड, चुम्बा यस का वही, तो चक्रव्यूह. इसका एक एड था, खिड़की के कहर जैसा प्रोमिनेंट नहीं, बट इसका भी कुछ कुछ जगह पे आया था, यस, चुम्बा का चक्रव्यूह, दिस वाज चुंबा गुड, के एंड आई चक्रव्यूह थिंक का ऐड आया था इंदिरा, या फिर डॉक्टर वायरस का आया था ना जिसमें कि चुम्बा का वो चक्रव्यूह, डॉक्टर वायरस तो मुझे याद है, चुंबर चुम्बा का चक्रव्यूह तो मुझे का. याद है, एंड आई थिंक इसका मोस्ट आइकॉनिक सीन था, आइकॉनिक सीन, वो नॉर्थ एंड साउथ जो एक बंदे को वो चट्टान पे या पत्थर पे रख के खींच के उसको तोड़ता है, आई थिंक इसका मोस्ट राइट राइट आइकॉनिक सीन था, और मुझे पता है इसको पढ़ने के लिए मैंने हॉस्टल में कितने पापड़ बेले थे भाई साहब, कितने लोगों के पैर पड़े थे, ये चल मैं तेरे को ये खिलाता हूँ, ये वो खिलाता हूँ, इट वॉज समथिंग, एंड ये अगेन पैर पड़ने से याद आया, कॉमिक्स पढ़ने के लिए इतने लोगों के पैर पड़े हैं ना, तो भाई एवरी फैन भाई आई थिंक ऑफ भाई कॉमिक्स इज लाइक वेरी सिंपल एंड काम बिकॉज ऑफ दिस. मैं छोटा सा स्टोरी, मैं उस टाइम हॉस्टल में रहता था, मुझे कहीं पे 10 रुपया मिल गया था पढ़ा हुआ फील्ड में, ठीक है, 10 रुपया उस टाइम बहुत ज्यादा था, मुझे याद है अभी भी मैंने जाके दलदल कॉमिक्स खरीदी थी 7 रुपए की, और 3 रुपए का मैंने वो कुछ वो चाट वाट ये वो ब्लैक करंट ये सब खाया था,
ठीक है, तो 7 रुपए की कॉमिक्स कर ली, कॉमिक्स और 2 रुपए की चाट, जो भी मैंने खाया 10 रुपए, उस टाइम बहुत ज्यादा होता है, बट उस सर टाइम मैंने पार्टी दस होगी रुपए आपकी बिल्कुल पार्टी होगी। बट पॉइंट बीइंग कि उस टाइम बच्चों में भी हॉस्टल ही सब में ये कॉमिक्स पढ़ने के लिए, नए कॉमिक्स का इतना क्रेज था, क्रेज झुम्बा गजब राइट थी, राइट, मतलब उसको पढ़ने के लिए कितने लोगों के साथ, मतलब वो एक क्रेज था, मतलब हम लोग उस टाइम में नहीं लौट सकते, मतलब आज के जनरेशन ये रियलाइज नहीं करेगी कि कॉमिक्स पढ़ने का क्या क्रेज था, मतलब मेरे हॉस्टल के सामने देर वॉज अ स्पेसिफिक छोटा टपरी विच वॉज ओनली फॉर कॉमिक्स, जो आज के दिन में हम लोग सोच भी नहीं सकते कि साला कॉमिक्स से कैसे मतलब घर चल सकता, बट दैट वॉज अ थिंग विच वॉज देयर इन इंडिया। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, चुम्बा का चक्रव्यूह, चुम्बा एज अ कैरेक्टर, तो आप लोगों का क्या टेक है चुम्बा एज अ कैरेक्टर एंड एज अ विलन? मैं पहले जाना चाहूंगा, मुझे कहानी पूरी पेज बाय पेज याद नहीं है, बट द कवर आर्ट जिसपे वो ट्रेन पे से बंधा हुआ है एंड ही इज यूजिंग मैग्नेट्स, हॉर्सशू मैग्नेट्स, यस यस, मैंने पहली बार देखा कि मैग्नेट को इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। तो दैट्स हाउ द क्रिएटिविटी केम फ्रॉम राज कॉमिक्स, कि आप किसी भी चीज से आप वेपन बना सकते हो। ये तो उस टाइम पे मैं जैकी चैन मूवी हालांकि एक दो देख चुका था, पर दैट्स हाउ आई कुड रिलेट कि ध्रुव का जो फाइटिंग सीक्वेंस आप कुछ भी देख लो, उसके पास कुछ वेपन नहीं है, वो आसपास पड़े हुए सामान चीजों को ही यूज कर लेता है वेपन की तरह। तो ये चुम्बा का चक्रव्यूह वाज आल्सो काइंड ऑफ दैट। कवर आर्ट देख के मैं बहुत मेस्मराइज हो गया था, और हालांकि आई थिंक स्टोरी कहीं जो कल्टीवेबल फील्ड से ही शुरू होता है, एग्रीकल्चर फील्ड से ही शुरू होता है, तो मुझे ज्यादा याद नहीं है, आप विवेक या अंशुल इसमें बोल सकते हो। चुम्बा का चक्रव्यूह मुझे याद है, जब मैंने पढ़ा था ना, तो तब मैंने ब्रूसली की कोई फिल्म नहीं देखी थी, उसके बाद जब मैंने ब्रूसली की फिल्म देखी थी, तो उसमें एक पैटर्न हुआ करता था ब्रूसली की फिल्मों में, जैसे कि हाउस ऑफ शाओलिन या कौन सी मूवी थी जिसमें कि स्टेज बाय स्टेज गेम ऑफ डेथ, गेम ऑफ डेथ जिसमें कि वो एक स्टेज के बाद एक विलन से मिलता है, फिर दूसरे विलन से, फिर तीसरे, फिर लास्ट में जाकर के मेन विलन के साथ आमना सामना होता है। ओके ओके, तो इट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ दैट पैटर्न, कि आप पहले जाओगे उसका आमना सामना होगा ड्रिलर से, ड्रिलर के बाद फिर वो टर्बाइन वाला घूमने वाला, फिर केकड़ा वाला विलन आएगा, एक कोई डायनामो भी बीच में आता है, फिर लास्ट में वो विवेक भाई ये अरुण कुमार वाही सर का पैटर्न भी तो है, ये बाकी स्टोरीज परमाणु वगैरह में ऐसी होता था ना, एक 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 गुर्गे भेजता था पहले मेन विलन, फिर लास्ट में डायमंड किलर में था। पर अमित भाई ये चक्रव्यूह का मतलब के लिए ये सही भी लगता है, राइट, अगर जो टाइटल अगर आप बोल दो लेयर्स ऑफ जस्टिफाइज द नेम। अजीत भाई आप कुछ बोल रहे हैं, तो शेड्स हैं, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप बोलो फिर मैं बोलता हूँ, कि एक चीज जो मुझे बहुत ही सही लगी इज द रीअकरेंस ऑफ वैक्यूम क्लीनर, उसने दो बार ध्रुव की मदद करी है, किरगिया कहर और चुम्बा का चक्रव्यूह में, राइट, एंड वैक्यूम क्लीनर एट दैट टाइम वाज ए लग्जरी, मतलब मुझे याद है सेल्स में आए थे घर पे, मम्मी पापा ने कैसे तो भी सारा महीने का हिसाब करके एक खरीदा था हमारे घर के लिए, राइट, एंड इट वाज वैक्यूम क्लीनर था, हां लिया था मैंने सेल्स में, ठीक है वैक्यूम क्लीनर था, चिपका के चले गया था वो सेल्स में, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, राइट, और मम्मी वाज कन्विंस्ड द मोस्ट यूरेका फोर्ब्स वाला, राइट, और तो मतलब और उससे पहले कॉमिक्स हमने देख लिया कि वैक्यूम क्लीनर इज सो इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट, कि मतलब सुपर विलन को भी अगर ट्रैप करना है तो यू नीड अ वैक्यूम क्लीनर, तो मतलब मैं वही बात यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं, मे बी अनुपम सर के यहां पे आया होगा उस समय, इसी वजह से शायद दो बार हमारे हमारे घर का वैक्यूम क्लीनर मैं था, हम लोग थे, बट इट वाज लाइक हमें रिप्लेस कर दिया गया, राइट, उस समय। तो चुम्बा के ऊपर जो इंदिरा भाई बोल रहे हैं ना फुद्दूपन, तो मेरे को ये बोलना है कि मेंटल हेल्थ का एक अच्छा एंगल है उसमें, राइट, अनुपम सर ने पता नहीं कितना सोच के लिखा है उसको, बट साइकोलॉजिकली हॉन्टेड है वो वहां पे ध्रुव से भाई, कि और होता है यार, जितना बड़ा साइंटिस्ट होगा ना वो लड़ाई में उतना माहिर नहीं होगा, वो भले ही आर्मर लगा के लड़ रहा है, एक बार आर्मर गया तो फिर फटती है भाई, अब कैसे बचूं यहां से,
इंटेलेक्चुअल लोग लड़ते नहीं ना, लोग रख लेते हैं लड़ने के लिए, खुद भाग जाते हैं। देखो क्या है ना कि जब भी मैंने पढ़ना शुरू करा था और जब तक मैं कभी कभी मैं कुछ कुछ सवाल पूछता था अनुपम जी से, तो मैंने ये सवाल पूछा भी था शायद मैंने कहीं पे, तो उन्होंने रिप्लाई भी करा था। मैंने बोला कि एक तो ये पिंक पैंट है और ऊपर से ये हत्यारा कौन में गवाही देने से भी बैकआउट कर जाता है, जब ध्रुव के हाथों पकड़ा जाता है तो रोने लग जाता है, तो इज ही डेलिबरेटली अ डरपोक कैरेक्टर जो कि आपने बनाया था इस तरीके से इसको, क्योंकि हर बार ये बैकआउट कर रहा है, रो रहा है एज अ विलन विलन के लिए। तो उन्होंने बताया था कि वैसा इन्होंने सोच करके लिखा नहीं था बट वो उस तरीके से आया है, तो आप इसको भी एंजॉय ही करो आप। लेकिन इसके जो एक डायनामो करके कैरेक्टर आता है, याद है तुम लोग को, जब वो श्वेता को किडनैप करने के लिए अपने लैब में कुछ कर रही होती है, तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग डायलॉग है, उसकी जो एंट्री होती है ना, मतलब एकदम दरवाजा तोड़ करके आता है, बिल्कुल लैंड करता है, और श्वेता भी सोच रही होती है कि ये कौन है यार, ये पक्का किसी हॉरर फिल्म का विलेन जैसा दिख रहा है ये, और ये मुझे डरने की एक्टिंग करनी होगी इसके सामने। तो वो कहती है कि आप कौन है, तो डायनामो बोलते हैं कि मुझे डायनामो कहते हैं बिटिया, मुझे तुम्हारे चुम्बा अंकल ने तुमको लेने के लिए भेजा। इतना क्रिंज, पूरा मतलब फैमिली है। तो ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि राइटर भी ना कि एक्शन 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 दिखाते दिखाते थोड़ा सा एक लाइट मोमेंट डालने की कोशिश किया, मतलब कि कौन ऐसा काम करता है। राका पढ़नी होगी विवेक भाई अनुपम शर्मा। अरे ये तो बहुत सही जा रहा है, ऐसा कुछ मैं भी करता हूँ। किसी की बहुत संस्कारी था। हाँ, आपके आगे गेटर साहब संस्कार की बात करोगे? लेकिन वही है ना, देखो चुम्बा का वो हेंचमैन इस डायनामो, पूरा वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड ही चल रहे थे लगता उनके घर में ना एकदम। मैं कहता कोई तो सब्जेक्ट उठाता होगा, जैसे वो आवाज की तबाही के समय कोई साउंड पड़ रहा होगा, इस समय कोई मैग्नेटिज्म पड़ रहा होगा घर पे। पर संस्कारों से याद आया, उसका जो लास्ट वाला रोबोट था ना, वो भी बड़े सभ्य तरीके से बात करता है, राइट? मैग्नेट्रॉन या कुछ। तो ध्रुव बोलते भी है कि यार इतना सभ्य रोबोट मैंने देखा नहीं, मुझे आपको हिरासत में लेना होगा। और अरे मुझे आपको चुम्मा सम्राट ने मारने के लिए भेजा। तो बोलता है यार ये तो इतने अच्छे से बोल रहा है, मैं तो खुशी खुशी अपनी जान दे दी इतनी इज्जत में। तो ऐसा नहीं होता है बट हाँ, मतलब उसमें काफी सारे ऐसे शेड्स भी हैं उस कॉमिक में कि ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के ही पेज में आप देख लो ना कि वो एक गाय उसे टोक करके चली जाती है, वो पूरा समरसॉल्ट करके गिरता है, मतलब दैट इज ऑल्सो यही वो खेत थी ना जहाँ पे ध्रुव को मार रहा होता है और वो बेल को बुलाता है। आइकॉनिक सीन्स कुछ कुछ याद रह जाते हैं, मतलब आप कॉमिक्स भले ही भूल जाओ, कवर आर्ट भूल जाओ, पर वो सीन आपको याद होगा। नहीं तो ये सब अच्छे, और इसमें भी उसका इसका और ध्वनिराज जो प्रोफेसर काले हैं, इन दोनों ने मुझे लगता है ना जैसे साथ ही साथ करियर शुरू करा था अपने क्राइम फाइटिंग का। ये दोनों ही वेपनाइज कर रहे हैं फाइट को एंड दे अटरली फेल्ड इन देयर अटेम्प्ट। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ उनका कॉस्ट्यूम देख के, चुम्बा कौन और ये क्या नाम है उसका, देखो नाम भी भूल गया मैं, इनका कॉस्ट्यूम। लेकिन देखा चुम्बा या फिर ध्वनिराज किसी को तो रिपीट किया गया था, राइट? विशेषांक जब आई थी बाद में, आया चुम्बा बोल के एक था, आया चुम्बा है, चुम्बा सम्राट, चुम्बा सम्राट, चुम्बा सम्राट, चुम्बा सम्राट है, ध्वनिराज का भी काल ध्वनि है, बौना वामन रिपीट हुआ है, बौना वामन में नहीं,
तुम्हारी को तो नंबर भी याद है. लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा भाई, उससे पहले उनकी वो वीडियो विलन आई थी राइट, तो उस समय के साथ ना इस वीडियो विलन वाज क्वाइट, मतलब एक तो उस समय वो वीसीआर का कल्चर था एंड उस जमाने में सोचो अनुपम सिन्हा ने वो जो कैमरे पे खून खराबा कैप्चर करने वाला वो जो वो सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं होता जो आजकल चल रहा है कि रियलिस्टिक मतलब आप पूरा लाइव दिखा रहे हो. मैं एक चीज थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहूंगा. तो इसके बाद दो सुपरहिट कॉमिक्स आई थी, वीडियो विलन एंड पागल कातिलों की टोली. मतलब अगेन लैंडमार्क फॉर ध्रुव. कोई मतलब ये नहीं होगा, मतलब जैसे अंशुल भाई ने बताया राइट, दुगल साहब ने, कि वीडियो विलन की क्यों फेमस हुआ, उसके एड मतलब हाउ द एड वाज प्लेस्ड, पागल कातिलों की टोली ठीक है, मतलब सुपर हिट कॉमिक्स ठीक है. बट अगर मैं जस्ट जस्ट फ्रॉम अ विलन परस्पेक्टिव से देखूं, आई थिंक द नेक्स्ट व्हाट वी आर गेटिंग इनटू वाज डॉक्टर वायरस. मतलब एक विलन जो आइकॉनिकली ध्रुव के रो कैलरीज में जहां पे मैं उसको देख सकता हूँ, इट वॉज आई थिंक डॉक्टर वायरस विच कम्स इनटू माय माइंड. एंड अगेन नो ऑफेंस, पागल कातिलों की टोली एंड वीडियो विलन वाज अमेजिंग, अमेजिंग एज अ स्टोरी आर्क, अमेजिंग द प्रिंसिपल एंटागोनिस्ट विच वेयर देयर. बट आई थिंक उन लोगों बाद में मिलन एंड बाबा आप लोग सब बताना, बट बाद में कहीं पे इवन आई डोंट सी डोज इन सर्वनायक ऑल्सो जैसे डॉक्टर. हाँ पता ना जी, पर आई थिंक शो स्टॉपर या उसमें किसी में जिसमें वो जब जेल ब्रेक होता है शायद, नहीं वो शो स्टॉपर में आया है जिसमें वो ध्रुव को अपने मतलब याद आ रहे होते पेरेंट्स, ये नितिन मिश्रा ने जब लिखी थी तो उसमें ये जो फाइनेंसर का जो बना था ना जो डॉक्टर शास्त्री या कोई राइट, तो उसमें उसमें देयर इज अ स्मॉल बैक स्टोरी कि उसने उसको हेमंत ने ड्रॉ किया है वो. यस ड्रॉ किया हुआ है. तो शो स्टॉपर मैंने पढ़ा नहीं है बट हाँ तो मतलब बाकी लोगों को कुछ पॉइंट है तो यू कैन डिस्कस ऑन वीडियो विलेन एंड देन आई थिंक वी शुड क्लोज विद डॉक्टर वायरस बिकॉज़ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड बहुत ज्यादा बाकी के विलेन्स के बारे में. तो या जीत भाई, मिलन भाई, वीडियो विलेन तो यार पेपर व्यू दिखा दिया यार उस टाइम पे, बताओ. वहीं पे मतलब अनुपम सिन्हा जी मतलब अपने टाइम से मतलब एटलीस्ट इंडिया का जो मार्केट था उसके टाइम के अहेड से बहुत सारे चीज को पोर्ट्रे किया, इसलिए दैट इज वन ऑफ द रीजन आई थिंक ऑलवेज ध्रुव हैज बीन वेरी नेक टू नेक एंड टो टू टो विद नागराज, जो मतलब राजकों में इसका बहुत फेमस कैरेक्टर है. इसलिए मतलब अगर जब भी कंपेयर मतलब बहुत सारे फेमस कैरेक्टर है, परमाणु है, डोगा है, भोखाल है, बट अगर मैं पॉपुलैरिटी के रिस्पेक्ट से बात करूं आई थिंक इट्स ऑलवेज इट कम्स टू माई माइंड इज नागराज एंड ध्रुव. एंड ध्रुव का रीजन ये है क्योंकि द क्रिएटिविटी वॉज विद अनुपम सिन्हा जी एंड उसके जो स्टोरीज थे बहुत वे अहेड ऑफ द इंडियन मार्केट एंड इंडियन टाइम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा वे अहेड था. तो मैं वीडियो विलन के बारे में बस यही कहना चाहूंगा राइट, कि मतलब जो उन्होंने उस समय कॉन्सेप्ट दिखाया था ना, पीपल आर हंग्री फॉर दैट व्यू, खून खराबा टीवी पे देखने के लिए, दैट इज समथिंग वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि हाउ पीपल आर स्क्रीन हंग्री, उनको रियलिटी टीवी शो, रियलिटी टीवी उस समय उन्होंने दिखाई थी जब रियलिटी टीवी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, किसी ने सुना नहीं था. तो वही है मतलब हिज थॉट प्रोसेस वाज डेफिनेटली वे अहेड. ये पूरे जो लाइन से विलेंस और सब इंट्रोड्यूस हुए थे राइट, ये पूरा मतलब शोइंग की हाउ इंटेलिजेंटली ही रोट द स्टोरी. इट वाज अ सो वीडियो विलन इज लाइक अ सोशल विलन, सोसाइटी इज द विलन उसमें. यस, सोसाइटी इज द विलन, क्योंकि वो आता भी है ना, वो दत्त जो होता है, जो फिल्म मेकर हु एक्चुअली अपने ही मौत का वो ड्रामा रचता है, सुरेन दत्त शायद आई थिंक ये नाम होता है उसका. तो उसमें
आज से 10 साल पहले जो बाढ़ आई थी ना रियलिटी टीवी शोज की, पता नहीं क्या क्या, जिनके अजीब अजीब से शोज मतलब 10-12 एपिसोड के बाद बंद ही हो गए, तो मतलब कि वो रियलिटी शायद राइटर ने देख लिया था कि ये कभी ऐसा टाइम आएगा जिसमें कि हमको ड्रामाटाइज्ड शोज, स्टेज शोज किक नहीं देंगे ऑडियंस को, दे वुड वांट समथिंग रियल। और रियल भी क्या, मतलब पेड सब्सक्रिप्शन, उसकी एक अलग से ऑडियंस है जो कि ब्रूटल एमएमए फाइट की तरह वो देखना चाहते हैं, जिसमें खून हो, खराबा हो। और वो बोलते हैं ना कि मतलब खून निकालो खून, वो कैमरामैन कहता है ये अभी तक नजर नहीं आ रहा है, वो तो बॉक्सर को मारते हैं और उसका पूरा चेहरा फट जाता है और खून निकलता है, राइट। हाँ अब आएगा ना मजा, मतलब हम लोगों को रीडर में लग रहा है कि यार ऐसा कभी होगा क्या, और अभी देखो आप, मतलब इस तरीके का डार्क वेब आ गया है और ये सारी चीजें, सब्सक्रिप्शन टेलीविजन आ गए हैं जिसमें कि एडल्ट कंटेंट्स आते हैं एंड ऑल। सो ये जो स्क्रिप्टेड प्रोग्राम थी ना उस टाइम पे लोग इतना हाँ देख के बोर हो गए थे, तो हाँ दैट्स हाउ दिस रियलिटी सीरीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। पर ये आज पे पता चल रहा है कि जो रियलिटी सीरीज बोलते हैं उसके लिए ज्यादा ही स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, जो करेक्ट जो हम स्क्रिप्टेड बोल रहे हैं कि दैट इज काइंड ऑफ बोरिंग। पर हाँ, लाइक फॉर अ चेंज पीपल वॉन्ट समथिंग न्यू। आप 10 साल 15 साल कोई भी आइडिया खींच हाँ लो, बट देर इज अ ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये करेक्ट ब्रेकिंग पॉइंट था उस टाइम पे कि आप जो इंडिविजुअल विलन्स दिखा दिए, उनके प्रॉब्लम्स दिखा दिए, वर्ल्ड डोमिनेशन इश्यूज दिखा दिए, अब बारी थी सोसाइटी पे। द रियल विलन इज द सोसाइटी हु डिमांड्स सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स एंड अ पर्सन इज कैटरिंग टू दैट नीड। जब तक डिमांड है सप्लाई तो किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा। दैट्स हाउ दिस स्टोरी केम, जो विडो विलन। आई थिंक दिस वॉज फर्स्ट दैट आई गॉट बिफोर पागल कल्थीलोगी टोली। और ये स्टोरी मतलब यू नो लाइक हाउ हाउ इट ऑल स्टार्टेड, कि रेस हो रहा है, यही कॉमिक्स थी ना जहाँ पे रेस होता है, या फिर वो यस पागल का तिलंग इडोली थी? नहीं सॉरी, लास्ट में होता है ना कि वो कैंपेन एक स्टेज मतलब एक शो सेट करते हैं जिसमें कि बाइकर्स होते हैं और हाँ बाइकर्स हाँ हैव हाँ राइट द राइट वेपन्स और ध्रुव को वो छोड़ फ्रेम दिया आज गया भी है। याद है, वो मतलब बाइक पे खड़ा होके ध्रुव आया था। इससे पहले मैंने सिर्फ अजय देवगन को ही देखा है था तो वो बाइक पे खड़ा होके आया था, और दैट टू लाइक ही वाज कहीं तो बाइक से तो आ रहा है, वो गिर जाता होता है और उसको वापस बाइक पे आना है, और टाइम नहीं है कि मैं बाइक पकड़ के फिर से उठा के उस पे जाऊं। एंड दैट्स हाउ द फ्रंट फ्लिप टेक्स प्लेस, ही जंप्स हाँ एंड ही लैंड्स ऑन बोथ द बाइक, एंड दैट इज हाउ, लाइक आई रिमेम्बर दैट सीन, लाइक आज भी याद है यार, वो अभी भी जब बोलता हूँ तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं। ऐसे ही आइकॉनिक फ्रेम से वो आज सुपर कमांडर ध्रुव बना है। दैट्स हाउ ही रूल्स ऑल ऑफ आवर हार्ट्स राइट टुडे। मैंने तो एक कॉमिक पढ़ने के बाद कवर पेज इतना ध्यान से देखा होगा, क्योंकि उस कवर पेज पर है ना कि उसके गले पे फांसी का फंदा लगा हुआ है वीडियो विलेन वाले उसमें, और वो जो दूसरा ओके बंदा है जो विलेन है, उस विलेन का गला गुंडारा रस्सी पर है, हाँ उसकी कमर पे बंधा हुआ है रस्सी, मतलब कि अगर वो गिर भी गया तो बच जाएगा, बच वो जाएगा गिरेगा तो उसको फांसी हो हंसी जाएगी। तो ये मैंने बाद में नोटिस करा, जब पूरी कॉमिक खत्म हो गई ना, फिर मैं बोला यार कितना नाइंसाफी हो रहा है ध्रुव के साथ यहाँ पे। सो हाँ, वो अपार्ट फ्रॉम दैट बाइक सीन, मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा था कि मतलब कि अभी देखो कैसे बचाता है नताशा चंडिका को, ही इज बीइंग ब्लैकमेल्ड इनटू टू प्ले पार्ट इन हिज शो, इस तरीके से। बट ये चीज, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अमित भाई ने एक सवाल पूछा था ना कि कोई विलेन जिसकी बैक स्टोरी है और जिससे हम रिलेट भी करते हैं, तो मैं ये कहूंगा इसमें सुरेंद्र दत्त है, राइट। कि जैसे एज ए सुरेंद्र क्रिएटिव आप कितना भी कर लो वो शायद वायरल ना हो, बट आप कहीं कोई नंगा नाच कर लो वो वायरल हो जाएगा क्योंकि लोगों की यार, आप हमारी बातें क्यों जो करने लग गए आपका इशारा इस अचानक पॉडकास्ट की तरफ नहीं है, हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। से तो बट दैट्स ऑल राइट। कि सर की कहानियों में ना मैसेजेस भी रहते थे, मतलब हमने इतनी जल्दी करा, वी डिडंट डिस्कस द लास्ट पेज ऑफ किरगिया कैट, मतलब वो अपने में लाइक दैट वाज माय फेवरेट पेज ऑफ एनी बुक, द वे इट एंडेड द किरगिया कैट, बट लेट्स नॉट गो बैक। आई आई नो जीत थिंक भाई, आपको आपके लिए तो बुक के ऊपर ही एक अलग से पॉडकास्ट करने का मैं सोच रहा था। या बट हम लोग वन थिंग आई लाइक अबाउट प्रसन्नजीत इज दैट
वो जो डायरमा बनाने के लिए हर कैरेक्टर पे जो रिसर्च करता है ना, लाइक ही मेंटेन्स ए नोटबुक वेयर ही मस्ट हैव मेंशनड ऑल द इवेंट्स या फिर वो कैरेक्टर के नाम, एंड दैट इज हाउ ही रिमेंबर्स ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स नेम. उनके नाम सिर्फ नहीं, उनके बैकग्राउंड और ये सब एवरीथिंग ही हैज लाइक डन ए वेल रिसर्च ऑन फॉर हिज प्रोजेक्ट, एंड दैट्स हाउ ही रिमेंबर्स हिज नेम. और हमारे दर्शकों को बोल दें कि किसी भी आदमी का ना मेमोरी इतने शार्प नहीं है जितनी प्रसन्नजीत की है. And it is all because of his passion. तो हमें याद नहीं होता है now, and that is how normal people don't remember the names, right? जीत भाई control your tears. मिलन भाई वो same है जैसा आपका डोगा के प्रति प्रेम है ना, तो आप भी नोट्स बनाते होंगे शायद फिर उधर, वैसे जीत भाई इधर बनाता है. Okay. Apart from being so sensitive, जीत भाई ने पूरा रोग गैलरीज का एक एक फोटो भी उन्होंने पोस्ट करा हुआ है अपने वॉल पे, से 30-35 तक जितने भी विलेंस हैं सब पूरा अपने इंस्टाग्राम या किसी फेसबुक पेज पे, तो वो भी आप लोग चेकआउट करिए. नाउ कमिंग बैक टू पागल कतिलों की टोली, वो लास्ट है ना. यस, तो बताइए किस किस का मतलब एक्सपीरियंस रहा है उस कॉमिक्स को. देखो स्टार्टिंग में देखा जाए ना, मुझे कई बार लगता है कि जैसे कि अगर किसी कोई मकान मालिक है और उसको घर से निकाला जा रहा है उसके किराएदार को क्योंकि उसने रेंट नहीं पे किया, ठीक है, तो मूवीज में भी दिखाते हैं और उसको ऐसा जस्टिफाई करेंगे ना कि वो किराएदार का कोई दोष ही नहीं है. तो भाई ये पहले से डील हो रखी है कि तू घर में रहेगा किराया देगा. पागल कहते लोग की टोली में भी वही है, उसने फाइनेंसर से उधार लिया है और तेरे को पैसे वापस करने हैं, इसमें क्या है. बट The point is कि वो फाइनेंसर थोड़ा एक स्टेप और आगे चला जाता है, लोगों को ही रास्ते से हटवाने लग जाता है, so that is something unacceptable. तो उस तरीके से एक पॉइंट कहना चाहूंगा, ये स्टोरीज जो है ना लाइक उस टाइम पे हमने पढ़ी थी और उस टाइम पे हाँ पढ़ के आप भूल भी गए होगे, राइट, और अच्छी थी. आई एम नॉट सेइंग कि कहीं से कॉपी किया गया था, कहीं से इंस्पायर्ड था, हो सकती भी है, वो हमें तो पता नहीं, इट्स ऑल ओरिजिनल फॉर अस. पर आज के डेट पे आप देखो वही स्टोरीज आपको किसी हर दूसरे तीसरे सीरीज में आपको देखने मिलेगी, एंड दैट इज हाउ यू रिमेम्बर ऑल दीज बुक्स. ऐसे भी बहुत सारे सीरीज होंगी जहां पे ऐसा था कि पागलों को हिप्नोटाइज करके क्राइम करवाया जा रहा है. मैंने भी एक दो मूवी शायद देखी है, किस लैंग्वेज में मैं कमेंट्स में दे दूंगा. एक्चुअली उसका आंसर ये मिलन, उस टाइम हमारा दुनिया को देखने का दायरा बहुत छोटा था, छोटा नहीं छोटा, बहुत लिमिटेड था. अभी हम लोग दुनिया को बहुत लंबे दायरे से देखते, तो वो जो छोटा दायरा था एडवांटेज वाज हमारे उस छोटे दायरे में हमारा इमेजिनेशन बोलो या जो भी था बहुत एकदम खिल के उठता था. अभी इतना ज्यादा हो गया ना, अभी हम लोग सब कुछ को अलग एक दृष्टिकोण से ही देखते हैं. और ऐसा ही कि बार बार देखें कि नहीं, एक नहीं कि आप किताब पढ़ के भूल गए, मतलब आप 20 इयर्स डाउन द लेन अगेन यू आर रिविजिटिंग सम काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ विजुअल मीडियम जहाँ पे आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो या फिर अरे ये तो मैंने कॉमिक्स में पढ़ी थी, अरे ये तो मैंने यहाँ पे देखा था. दैट इज हाउ नॉस्टैल्जिया किक्स इन, राइट. पागल कातिलों की टोली मेरे लिए इसलिए स्पेशल था, अगेन मैंने कहीं पे शायद पोस्ट पे भी किया था, मैं हॉस्टल से दुर्गा पूजा में दरभंगा आया था, दरभंगा में दशमी था, बंगाली टोला में विसर्जन होके मैं चाचू के साथ अपने चाचा जी के साथ साइकिल में बैठ के आ रहा था, एंड मैंने बोला मुझे ये कॉमिक्स खरीदना है, आगे जाके एक छपरी में उतरा, चाचा ने वो खरीद के दिया. दैट वाज माय मेमोरी ऑफ पागल कातिलों की टोरी, वो लेना था. बहुत फायदा उठाया यार मेरे भाई, वो सब छोड़ो, मेरे पापा के कलीग मुझे हॉस्टल से लेने जो कॉमिक्स खरीदवाया था, तो फायदा मेरे एक और चाचू है, मेरे छोटे चाचू, उनके जो साला है मेरे से फर्स्ट टाइम मीट कर रहे, उस टाइम पे 94 में या 95 में मैंने 500 रुपए का चूना लगाया था मनोज कॉमिक्स 500 रुपए का, ठीक है ठीक है. तो मैं बहुत बेशरम था, बहुत और आज भी मेरे फैमिली में ये बात होती है कि मेरे वो मामा जो मतलब मेरी चाची के वाइफ के जो ब्रदर थे मेरे मामा हुए, वो लेट शादी किए क्योंकि मैंने वो 500 रुपए का चूना उस टाइम लगाया था, वो कुछ बोल नहीं पाए बेचारे अपनी शादी के लिए जमा कर रहे थे, ये बाहर गए थे. बट मैं भी अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ. मैंने WDC थ्रोबैक थर्सडे में भी डाला था. हमारे जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, वी यूज्ड टू गो टू भुवनेश्वर. तो एक ही मतलब जबलपुर से
गाड़ी डायरेक्ट नहीं होती थी, तो कटनी जाना पड़ता था, और एक ही गाड़ी होती थी हजरत निजामुद्दीन से पूरी तक उत्कल एक्सप्रेस, एंड वो 16-24 घंटे लेट ही हो रही, मतलब वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, बेडिंग बेडिंग लेके हम लोग जाते थे कि मतलब इतनी देर कटनी पे रुकना है, ठीक है, तो कटनी पे इतनी देर रुके हैं, तो मम्मी को लेके गए किताब खरीदने के लिए कि चलो व्हीलर तक किस तरह कन्विंस कर लिया, और वहां दिख रही है पागल कातिलों की टोली, खूनी दानव की वापसी और चाचा चौधरी और सड़क का भूत। बहुत मेहनत करी मम्मी को कि ये दिला दो दिला दो, मिला सड़क का भूत, तो मतलब वो ट्रिप तो गई। उसके बाद वापस चाचा चौधरी वाज फैमिली फ्रेंडली ऑलवेज, राइट, मतलब लगा था मम्मी शायद इसीलिए मम्मी को लेके गए थे, पापा को नहीं लेके गए थे, राइट, कि मम्मी विल प्रॉब्ली बच, बट देन कम बैक। फिर भाई की किसी दोस्त के यहाँ गया, वहां मिली थी मुझे पागल कातिलों की टोली, सो देन आई कुड रीड इट ओवर देयर। बट मतलब वही होता नहीं, कई बार आप इतनी शिद्दत से चाह रहे थे उस समय और आपको नहीं मिली, और मतलब इमेजिन दैट 12-14 आवर्स आप वहां देख रहे हो सामने व्हीलर, अगले प्लेटफॉर्म पे वो दिख रही है और तुमको पता है कि तुमको मिल भी नहीं रही है, लाइक दैट 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 वेट इज मतलब इमेजिन नहीं कर पाऊंगा मैं कि लाइक कैसे, लाइक छोटी उम्र में, मतलब दैट्स द ओनली थिंग आई वांट एंड आई एम नॉट एबल टू गेट इट, एंड ये मैं रिलेट कर पाता हूं जीत, कि कोई भी कॉमिक्स जो आपको पता है आपको वो लेनी है और आप उसको ले नहीं पाते हो ना, आई नो दैट कस्मकस्माहट बोलते हैं ना कि तड़प, वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि डोगा की कोई कॉमिक्स तो मुझे दिखी थी और मैं ट्रेन में बैठा था, ट्रेन चल चुकी थी और मैं व्हीलर को देख रहा था वो कॉमिक्स, और मैं सोच रहा था मैं उत्तर के जाऊं वो कॉमिक्स लाऊं, ट्रेन तो मैं दूसरी पकड़ लूंगा, दैट वाज माय थॉट प्रोसेस, कि माँ बाप छूट गए ट्रेन में, वो मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझको वो कॉमिक्स चाहिए, दैट इज हाउ लाइक एविल गाइडेड मी, और मैं खड़ा भी हो गया था लेने के लिए, बट अगेन लाइक केम बैक टू माय सेंसेस। तो फिर पागल कातिलों की टोली में आप देखना, ये कहना है मुझे कि कॉमिक्स स्टोरी अल्टीमेट, दिस इज लाइक वन ऑफ अ काइंड न्यू स्टोरी, और ये सब था, आप देखोगे सीक्वेंसेस वगैरह देखोगे ना, पागल लोग थे, ध्रुव वाज ट्राइंग नॉट टू हिट देम बट आल्सो विन द फाइट, और इसी बीच फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद भी ये लोग पागल थे, द एड्रेनलिन रश वाज सो मच दैट दे वर ओवरपावरिंग ध्रुव, इवन वन केम अप एंड ट्राइड टू यू नो चेस्ट पकड़ के हाँ पूरा मार देना चाहता था ध्रुव को, एंड हाउ ही ओवरपावर्ड देम by fighting using all his intelligence, और उसने जीता वो fight, ऐसा नहीं था कि but वो जो क्या बोलते हैं उसको penultimate scene जैसे होता है ना कि ध्रुव को ये मारने आए हैं, मार रहे हैं, ध्रुव मरा 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 ये मरा but the next frame is like he defeated everybody, yes. तो ये यूनिक पॉइंट था उस कॉमिक्स का कि ध्रुव चाह के भी उनको मार नहीं पा रहा है और उसको प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है, that was a bit different for me. So आप बोलो आपको कैसा लगा, दुगल साहब आप बोलो, वो पागल कॉमिक साहब को कैसी लगी, इसमें पागल मेरा क्या रिलेशन है, मुझे लगा था ये उंगली दिखा के तुमने मेरे को पागल समझे, लेकिन मतलब इट वाज अच्छा था कि बेसिकली ध्रुव कैसे उनको हराएगा बिना मारे, बिकॉज़ वही जैसे तुमने कहा राइट, ध्रुव के अंदर वो फीलिंग है कि उसे मारना भी नहीं है, बिकॉज ऑल दीज आर इनोसेंट, कोई अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं रहा है, राइट, इट वाज इंटरेस्टिंग फैक्ट, मतलब अच्छी थी, मतलब ये इसके बाद की दो तीन कॉमिक्स आई थिंक, उसके बाद फिर ग्रेजुअली मेरा भी कॉमिक से फिर वो हटना शुरू हो गया था। नहीं, मुझे लगता है कि ये भी अमित भाई के सवाल पे फिट बैठती है, क्योंकि बेसिकली वो एक एंटरप्रेन्योर था, राइट, उसने अपना स्टार्टअप शुरू करा था, राइट, इट वाज अ लोन स्टार्टअप बिजनेस और समथिंग, राइट, बट इफ यू सी, राइट, he had a commodity at his dispense and he was like monetizing it. क्या कर दिया आपने? ये तो काफी लोग relate कर पाएंगे अब इस लेन से. But अभी I mean पागल कातिलों की टोली ठीक है, अच्छी कॉमिक्स थी. But coming back to our final villain of the day, वो है डॉक्टर वायरस. अनुपम सर ने आपको फिजिक्स के साइंटिस्ट दिखा दिए, उन्होंने बोला बायोलॉजी की तरफ लेके चलते हैं बायोलॉजी, तो डॉक्टर वायरस लेके आए वो, तो इसके साथ हम लोग क्लोज करेंगे. तो या जीत भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, डायरोमा भी बहुत ब्यूटीफुल बना है, पर इसमें मेरी एक शिकायत है, इसके टाइटल पे डॉक्टर वायरस नहीं है,
दिस वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द टाइटल्स जिसमें सुपर विलन नहीं है उसका. अच्छा अच्छा सो इट वाज द कैरेक्टर्स. यस इट वाज द कैरेक्टर्स. तो आई थिंक इसमें आपको अगेन आपके मल्टीपल फ्रेंड्स आए. यस पुत्र और बर्फ मानव उसके उसके दोस्त डॉक्टर वर्गीस वर्गीस डॉक्टर वर्गीस. आई थिंक बैंक अटैक. देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग राइट. डॉक्टर वायरस का भी कोई ज्यादा अल्टरनेटिव नहीं था. उसको अपना जो एक कॉम्पिटिटिव थ्रेट को हटाना था उसका इन्वेंशन हथियाकर ही जस्ट यूज्ड टू अगेन वर्ल्ड डोमिनेंस मनी उतनी ही उसकी राइवलरी थी इसमें तो मतलब कंपटीशन को. आई थिंक एंड मुझे सबसे ज्यादा अच्छा याद है उसका एड पेज. वो बर्फ में फूंक मार रहा है एक गोला बना रहा है और वो गोला जा रहा है ध्रुव की ओर राइट. और ऊपर से रेल आ रही है राइट. एंड दैट्स वेयर द एड पेज यूज्ड टू एंड. तो मतलब समवेयर लाइक की भाई सर जब विशेषांक जो भी निकालते थे ना आई थिंक मार्केटिंग well thought product launch wo hota hai yes time, yes right yes and, yes and that was the beauty of these visheshans. They are like true mano mein visheshank hote the ye ki matlab aaj bhi matlab hum unke bare mein baat kar rahe hain to there is so special, special digest hoti thi wo special digest right. I think 17 number hai uska wo I think chechki aur ye wo jo mutants ek tarike se dekho na ya jo deform hoke aa rahe hain. हाँ और बीमारी के नाम पे चेचक के नाम पे चेचकी हुआ चेचकी हुआ था. आई थिंक वो जो दूसरा रेड वाला जो आया था मैं नाम भूल गया उसका. वो बैंक में जब फाइट वाइट हो रही है राइट. और शायद एक्सरे मशीन या सोन किसमें तो भी डाल दिया था उसने. और काफी सारी एक्वा गार्ड से शायद उसने कीटाणु मर गए थे उसके के और उसने पंच मारा था ध्रुव ने राइट. Too much science हो गया था मतलब इस बुक में. साइंस नहीं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर ही था ना अमित. बायोलॉजिकल वॉरफेयर का ये एक प्रॉब्लम है कि कॉमिक्स तो सही थी मतलब कहानी सही लगी स्टोरी पेसिंग सब सही था. प्रॉब्लम ये था कि जो अटपट उटपटा से कैरेक्टर्स जो आए ना जो कि रिएक्शन होने के बाद हाउ नॉर्मल पीपल कन्वर्टेड टू ये जो विलेंस तो वो थोड़ा देखे ना मतलब पता नहीं मेरे को तो घिन आई यार. वो कुछ कुछ पेजेस थे मुझे लगा कि यार इसको थोड़ा नॉर्मल दिखा देते कि यार एक साइड ह्यूमनली दिखाते दूसरा साइड ऐसे दिखाते या मतलब क्योंकि उस टाइम तक मैं भेड़िया शुरू कर चुका था पढ़ना राइट. सो इट वॉज नॉट न्यू फॉर मी. तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत तो ह्यूमनली दिखाते. हाँ फाइट करते अब कोई ऐसे पेड़ बन के आया है कोई ऐसा मतलब पूरा तोंद निकाल के पूरा म्यूटेंट जैसे नजर आया है तो मुझे थोड़ी सी घिन आई थी उस कॉमिक्स. मुझे आज भी याद है. नहीं मुझे एज अ कॉमिक्स वाइज भी मुझे वो बाकी जो विशेषांक अगर हम लोग देखे आई थिंक मुझे ओकेश लगी थी. मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी खराब है बट अगर मैं पास्ट के देखूं किरगी का कहर सामरी की ज्वाला खिलौना जो भी बाकी सब जो भी आए थे आवाज की तबाही वो सब मुझे स्टोरी लाइन वॉइस लगी थी मुझे और बहुत बेटर लगी थी. डॉक्टर वायरस मे भी मैंने बहुत बाद में पढ़ी है और बाद में मतलब मैं अपने इस एज में मैंने पढ़ी है. Maybe that is the reason. To clarify. But बाकी सब मुझे बेटर लगी है. ये मेरा टेक है. इंदिरा भाई तब तक आप पाश्चराइजेशन पढ़ चुके थे शायद. पाश्चराइजेशन वो वहां पे आया था अपने हत्यारा कौन में. हाँ बट समवेयर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अभी भी जैसे किरी का कहर या बाकी सब स्टोरी पढ़ूंगा मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगा. डॉक्टर वायरस ऐसा विलन कैसा आपको लगा? वो भी अच्छा एक विलन है लाइक रोग गैलरी में राइट. ओकेश मैं बोलूंगा मतलब मे बी आई रेड इट लेट. आई हैव सीन सच अ सिमिलर विलन. आई थिंक इट वाज ओकेश टू मी. और फनी या बोलो फैक्ट है कि डॉक्टर वायरस नाम से ऐसा लगता है कोई खतरनाक सुपर पावर वाला विलन होगा. उसके पास सुपर पावर साइंटिफिक या वो लैब में बनाता है वायरस और छोड़ देता है. एग्जैक्टली मुझे डॉक्टर वायरस बहुत पसंद है क्योंकि नई नई चीजें पता लगती हैं ऐसी जो सर बताते थे जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी होती थी. और सूरमा में भी शायद वही मेन विलन है. सूरमा में वो मेन विलन है सर्जन के साथ. वो वही मैं कहने वाला था कि वो इतना पावरफुल था उसको सोलो विलन लाए थे सूरमा में.
अरे जलजला में, जलजला में महामानव को कंट्रोल करने गया था वो राइट 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 तो उसको हल्के में मत लो. वैसे ही मैं एक्चुअली ना इवन बोना बामन को भी मैं देखना चाहता हूँ किसी दूसरे कॉमिक्स में अपार्ट फ्रॉम बोना बामन राइट. तो वो मुझे पता नहीं, आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए बोना बामन के बारे में कहाँ कहाँ और पढ़े हो. पर एक दर्शकों से रिक्वेस्ट है मिलन भाई, इसमें आप बताओ जब वो ट्री ने ध्रुव को ऐसे पकड़ रखा था राइट, तो चीरने वाला था. आई नो मुड़ के अपने दांत से वो खोलता है राइट. हाउ इज इट पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल हो सकता है, वो सर्कस बैकग्राउंड है उसका. एनीथिंग इज पॉसिबल, कॉमिक्स है भाई, लॉजिक तो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे. तो ऊपर वो दर्द दर्द महसूस हो रहा होगा ना ध्रुव का जो जब आप वो फ्रेम देखते हो पूरा मतलब ऐसे बोलते हाथ और पैर दोनों आप जकड़ लो ऐसे, तो वो जैसे गुड्डे गुड्डियों को जैसे हम दिखाते हैं ना. आई नो. सो एनीथिंग फ्रॉम यू दुग्गल साहब ऑन डॉक्टर वायरस, क्योंकि फिर हम रैप अप करते हैं. आई थिंक इंद्रा भाई को कुछ अनाउंस करना था, लेट हिम अनाउंस इट. यस. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, थैंक्स एवरीवन. और हमारे तरफ से इस बार हमारे तरफ से गिव अवे टू थ्री पार्टिसिपेंट्स. अगर आप लोग बता पाओ कि सफायर एनिमेशन का फर्स्ट वीडियो क्या था हमारे विवेक भाई का, विच ही डिड एज अ लाइव एनिमेशन, देन व्हाट इज द गिफ्ट, वी विल अनाउंस दैट लेटर. सेकंड क्वेश्चन डालते हैं, आपने वो पागल कातिलों की टोली वाली बुक कौन से स्टेशन पे देखी थी? So we will give out the questions, give away questions in the link and in the description also. But yes, gift bhi kya hoga hamare taraf se, we will announce that on our Facebook page. There will be three winners which we select. Okay, so yeah, that's all from our side. Up to Amit and rest of the people. नहीं बाकी किसी के पास कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स हैं ध्रुव के विलेंस के ऊपर, क्योंकि ध्रुव की विलेन गैलरी काफी बड़ी है बेसिकली, और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि विलेन बाय विलेन जाएंगे, बट देन वी वेंट कॉमिक्स बाय कॉमिक्स, और उसके हमने विलेन के बारे में भी और थोड़ी बहुत कॉमिक्स के बारे में भी बातें कर ली. तो ऑडियंस से दरखास्त है बताएं हमें कैसा लगा उन्हें ये प्रयास, और उनको कुछ चेंजेस देखने हैं, या फिर जैसे एक कमेंट किया था किसी ने कि हम लोग काफी एक दूसरे को काटते हैं, तो हाथ खड़ा करके बात कीजिए. तो हम लोग सारे कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए और हम इम्प्लीमेंट भी करने का ट्राई करते हैं, इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई करते हैं. तो यस, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने ध्रुव पढ़ा होगा, अभी छोड़ दिया है, क्या पता वो वापस से उनकी नॉस्टैल्जिया हिट हो और वो वापस से कॉमिक्स से जुड़े. बाकी या इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन. Thank you all. See you guys. Thank you. Thanks.